What is investment banking? अब ये investment banking क्या होता है और ये commercial banking से कैसे different है? तो मैंने अभी अभी दो words use किए, commercial banking and investment banking. ये दुनिया में सारे लोग, generally सारे लोग जो banking का मतलब समझते हैं, वो असल में होता है commercial banking. मतलब technically बात करें तो commercial banking is what is known as banking throughout the world. But ये जो investment banking है, that is little different. Commercial banks क्या करती है? They will allow you to make deposits, make withdrawals. आपको अपना account maintain कराना है bank के पास. आपको funds चाहिए, loan लेना है bank के पास. आप जाकर loan ले लो. Typically ये function होता है commercial bank का. बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप जाकर बैंक के पास अकाउंट ओपन कराकर वहां डिपॉजिट विड्रॉल नहीं करने वाले, न वहां से आप लोन लेने वाले हो. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट बैंक एंड व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी एक आईपीओ लेकर आ रही है और उसे अंडरराइट कराना है. तो आपने अब तक देखा है कि भाई ठीक है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करो और वो आपका ये काम कर देंगे. बट ये अंडर राइटिंग करता कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स परफॉर्म दिस काइंड ऑफ फंक्शन. फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है कि आपके शेयर्स तो अंडर राइट करवा देंगे और फिर मार्केट में इस शेयर को कौन से पॉइंट पर फ्लोट करना है, कुछ समय तक ये खुद इन्वेस्टर बनकर बैठ जाते हैं. कभी कभी बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए बल्क में ये परचेस करवाते हैं. बड़ी बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए स्टॉक मार्केट से बल्क में कोई शेयर परचेस करना हो तो दे जनरली डोंट डू इट इन एन ओपन मार्केट बेसिस. दे वुड जनरली वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस होल थिंग थ्रू एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम. तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटे से पिक्चराइजेशन फॉर्म में समझाता हूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है. आप स्क्रीन पर ध्यान देते रहिए. तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बेसिक मीनिंग से. मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिटेल डेफिनेशन बाद में समझाऊं, पहले आप इस लाइन पर ध्यान दीजिए. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ स्पेसिफिक डिविजन ऑफ बैंकिंग रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल फॉर अदर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स. चलिए आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाई जाए. कोई यहां पर आकर बोलता है, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन एनजे. क्या बात है? फिर उसने क्लैरिफाई किया, आई मेंट इंटरेस्टेड इन बाइंग शेयर्स इन एनजे लिमिटेड. बिग क्वांटिटी ऑफ शेयर्स व्हिच इज नॉट कन्वीनियंट थ्रू ओपन मार्केट. सो बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स ओपन मार्केट से बाय जनरली नहीं किए जाते. अब यहां पर एक म्यूचुअल फंड कंपनी, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट बता रही है, इवन वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग बिग क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इन एनजे लिमिटेड. सम टाइम बैक इन रीसेंट पास्ट, एनजे लिमिटेड नाम की कंपनी, इट वॉज विलिंग टू गो पब्लिक. दैट मीन्स द कंपनी वॉन्ट्स टू कम अप विथ एन आईपीओ. यह कंपनी अप्रोच करती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक को और इस इन्वेस्टमेंट बैंक को रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप हमारे शेयर्स अंडरराइट कर दीजिए. ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्या करती है, थ्रू अंडरराइटिंग अरेंजमेंट इट बायज ऑल द शेयर्स ऑफ एनजे लिमिटेड. अब इसने सारे शेयर्स एनजे लिमिटेड के बाय कर लिए हैं. इस कंपनी को शायद मालूम होगा कि ये शेयर में पोटेंशियल है और इसका बहुत अच्छा प्राइस इन्हें मिल सकता है, तो सारे के सारे शेयर्स इस कंपनी ने, इस इन्वेस्टमेंट बैंक ने बाय कर लिए हैं. नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनीज ने बल्क ऑर्डर प्लेस किए हैं इन्वेस्टमेंट बैंक को. अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, एज अ प्रॉक्सी टू आईपीओ होल्डिंग कंपनी दैट इज एनजे लिमिटेड, सेल्स शेयर्स टू म्यूचुअल फंड कंपनी, सेल्स शेयर्स टू प्राइवेट बिग इन्वेस्टर्स. एंड इतना ही नहीं, इट ऑल्सो सेल्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक इन स्टॉक मार्केट. तो
तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अलग अलग जगह से शेयर्स की डिमांड आई थी, और ये डिमांड कंपनी के पास नहीं आई थी, ये डिमांड आई थी इस इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। इन्वेस्टमेंट बैंक ने तो एक इंटरमीडियरी बनकर इन सभी टाइप के इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी की, और साइमल्टेनियसली एंजल लिमिटेड के आईपीओ को अंडरराइट भी कर दिया। तो ये जो बीच में बैठा हुआ इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, आपने यदि ध्यान से देखा और समझा होगा तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है। तो दोस्तों, यहां पर आपने जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मीनिंग समझ लिया। आइए अब डिटेल में इसकी डेफिनेशन पर जाएं। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन है? तो इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैंक इन्वॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, वो आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनाए। दिस इज सर्विंग लार्ज इंस्टीट्यूशंस नेसेसरली। अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल रिलेटेड एंड अदर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स, सच एज रेजिंग फाइनेंशियल कैपिटल बाय अंडरराइटिंग और एक्टिंग एज क्लाइंट्स एजेंट इन द इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोहिबिट नहीं करती है इंडिविजुअल्स को भी, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो। यहां देखिए, इंडिविजुअल्स भी मेंशन किए गए, बट मैंने आपसे कहा हमारी तरह छोटे मोटे इंडिविजुअल्स को ये फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देती। दे जनरली रेंडर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स विच आर हैविंग बिग पॉकेट्स। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स सर्व एज मिडलमैन बिटवीन अ कंपनी एंड इन्वेस्टर्स व्हेन द कंपनी वांट्स टू इश्यू स्टॉक और बॉन्ड्स। द इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट्स with pricing financial instruments and with navigating through regulatory requirements. तो दुनिया में जो famous investment banks हम जानते हैं, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, ये typical investment banks है जो दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में, हर बड़े कंट्रीज में अपनी अपनी सर्विसेज एक्सटेंड किए हुए हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये ब्रीफली आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, चलिए जरा डिटेल में देखें। अंडरराइट न्यू डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज फॉर कंपनीज, एड इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हेल्प फैसिलिटेट mergers, acquisitions and restructuring, provide guidance to issuers regarding the issue, assist in documentation for a company to go public, assist in large complicated financial transactions.